हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी ब्यूटीफुल सा लहंगा जिसे मैंने प्लेन नेट की साड़ी के हेल्प से प्रिपेयर किया है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इससे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना अस्तर कट करने के लिए, जिसे मैंने 2 मीटर के फैब्रिक में कट किया है। तो ऑलरेडी मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड्स कर लिया है। उसके बाद जो फोल्डेड एरिया है वो मेरे साइड है। फोल्डेड एरिया से एक कोना पकड़ते हुए अब फैब्रिक को ट्राइंगल शेप में फॉर्म करते हुए प्लेस कर दीजिए। ये स्टेप हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें ज़्यादा घेरा मिल सके। हमें ये स्टेप करने के बाद 2 मीटर के फैब्रिक में एटलीस्ट 4 मीटर का घेरा मिलेगा। उसके बाद हमें इस तरीके से फोल्ड करना होगा और अपनी कमर के 1/4 भाग में 1.5 इंच एक्स्ट्रा मिलाते हुए आप ऊपर से जहाँ पर 8.5 इंच आ रहा है वहाँ पर आप मैजिक कर लीजिए। नीचे से जो मेरी लेंथ होगी वो है 37 इंच का, और वहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर लूँगी और कोने से आ रही है 45। आप देख रहे होंगे जो मेरी मार्किंग है वो नीचे के कपड़े पे जा रही है, उसका टेंशन नहीं है, बाद में वहाँ पर कपड़ा एक्स्ट्रा ज्वाइन कर लेंगे। आप हर जगह से 45 की मार्किंग लेने के बाद सारे पॉइंट्स को कर्व शेप में दे दीजिए, यानी सारे पॉइंट्स को मिला लीजिए ऑल अराउंड। सारे पॉइंट्स को मिलाने के बाद आप देख सकते होंगे वहाँ पे थोड़ा गैप है, ऊपर की तरफ फैब्रिक नहीं है, जहाँ पे हम कट करने के बाद आपको बताएंगे कि आपको कैसे जॉइन करना है। तो यहाँ पे मैंने अपनी मार्किंग के हिसाब से कट कर लिया है। कट करने के बाद जहाँ पे फैब्रिक नहीं है वहाँ पर इस तरीके से आपको ऊपर जहाँ पे स्ट्रेट है 1/2 इंच ऊपर की तरफ, यानी जो सिलाई में जाएगा वो कपड़ा ऊपर की तरफ छोड़ते हुए आपको मार्किंग ले लेनी होगी इस तरीके से। और कट करने के बाद उस कोने के हिस्से में आप उस फैब्रिक को ज्वाइन कर लेंगे। इस तरीके से आपका कपड़ा भी वेस्ट नहीं होगा और काफ़ी अच्छा आपको घेरा मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया है और अभी ये एक बराबर हो गया है। ये कटिंग करने के बाद जो हमारा नेट की साड़ी है उसे भी मैंने इसी तरीके से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद जो मेरा अस्तर है मैंने उसके ऊपर प्लेस कर दिया है। अब आप देख सकते होंगे यहाँ पर मैं नीचे की तरफ से 2 इंच ज़्यादा ले रही हूँ, क्योंकि हमेशा हमें जो ऊपर का हिस्सा कपड़ा होता है लहंगे का वो 2 इंच अस्तर से ज़्यादा रखना होता है। तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मैं वहाँ पर कट कर लूँगा। यहाँ पर कोई जॉइनिंग नहीं आएगा क्योंकि साड़ी की जो लेंथ और ब्रेथ होती है वह ज़्यादा होती है। तो मैंने कमर भी उसी हिसाब से कट कर लिया। अब उसके बाद हम अपना अस्तर जो है भरा लेंगे और मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ कि हमें कितना सारा घेरा मिलेगा। तो हमें यहाँ पर भी कम से कम 4 मीटर का यहाँ पर घेरा हमें मिलेगा। हमने ये घेरे के लिए आधी ही साड़ी यूज़ किया था क्योंकि मेरे पास आधी ही साड़ी बची थी, अदर मैंने पहले ही अपने लिए कुछ बना लिया था, इसीलिए मुझे इस तरीके से कट करना हुआ। और इसे कट करने के बाद आप देख सकते हैं हमें कितना ही ज़्यादा यहाँ पे घेरा मिल चुका है। ये ओपन करने के बाद हमें लाइनिंग यहाँ पे नहीं ज्वाइन करना है, उससे पहले हम ऑल ओवर फैब्रिक पर ये ब्यूटिफुल सी सीक्वेंस की लेस हम यहाँ पर लगाएंगे। ऑल ओवर ये लेस को हमें पूरे ही फैब्रिक में लगाना है। तो लगाने के लिए सबसे पहले हमें मार्किंग की ज़रूरत होगी। लेस जब हम ऑल ओवर लगाते हैं तो सबसे पहले आप अच्छे से मार्क कर लीजिए। तो ऊपर से हम 4-4 इंच के गैप से पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे, पहले फ्रंट साइड पे फिर बैक के साइड पे, ताकि ईजी हो आपको पॉइंट बनाने के लिए, और सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे सारे पॉइंट्स को बना लिया ऑल ओवर फैब्रिक में। अब लेस लेंगे और जो लाइन आपने ड्रॉ किया था मार्किंग की, उस लाइन के हिसाब से आपको अपनी लेस घुमाते हुए ऑल अराउंड लगा देनी है। मैंने यहाँ पर 4-4 इंच के डिस्टेंस पे लेस लगाई है, पर आप अपने हिसाब से अगर आपको ज़्यादा लेस चाहिए तो आप 2 इंच पे 1 इंच के डिस्टेंस पे भी ऑल ओवर लेस लगा सकते हैं। नीचे का जो बॉर्डर है वहाँ पर मैं थोड़ी ब्रॉड लेस लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने ऑल ओवर यहाँ पर लेस लगा लिया है। ये अभी से इतना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। मैंने बैक साइड, फ्रंट साइड और नीचे की तरफ ये ब्रॉड लेस लगा लिया है, जैसे कि आप देख सकते होंगे। तो लेस लगाने के बाद हमें अपना अस्तर का कपड़ा लेना होगा और अस्तर और ऊपर नेट के कपड़े को एक दूसरे की कमर के साथ ज्वाइन करना होगा। तो मैंने ज्वाइन करने के बाद जो मैंने बेल्ट लिया है वो 5 इंच की और कमर से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। दोनों साइड का हमें 1-1 इंच अंदर आके फोल्ड करना होगा।
तो यहाँ पे मैंने फोल्ड कर लिया लहंगे पर इस तरीके से। सबसे पहले आपको लहंगे को राइट साइड और बेल्ट का राइट साइड नीचे और उल्टा साइड ऊपर की तरफ रखते हुए आप एक साइड तरफ से आधा इंच साइड में एक्स्ट्रा छोड़ते हुए आप अपनी बेल्ट को सबसे पहले अटैच कर लीजिए ऑल अराउंड। तो यहाँ पे मैंने अटैच कर लिया। अब ऊपर की तरफ आधा इंच फिर आधा इंच फोल्ड करते हुए आप अपने बेल्ट को वापस से फोल्ड कर लीजिए ताकि एक नीट लुक आ सके। इस तरीके से बहुत ही इजी तरीके से आपका बेल्ट लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बेल्ट लगा लिया और नीचे के बेल्ट की तरफ ही लेस भी लगा लिए। अब ये करने के बाद आपको यहाँ पर डोरी डालने के लिए मैंने यहाँ पर केसी भी खोला है बेल्ट की तरफ। उसके बाद लहंगे को उल्टा रखते हुए आप नेट के फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को दोनों अलग अलग आप स्टिचिंग दे दीजिए। एक साथ स्टिचिंग नहीं देना होता है लहंगे में, आपको अलग अलग स्टिचिंग देना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्टिचिंग दे दिया है दोनों ही साइड। इसका फ्लेयर, इसका लुक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आया है और यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी भी लग रहा है। आप यहाँ पर अपने तरीके से लेस लगा सकते हैं जिस हिसाब से आपको लगाना है। यहाँ पर मैं ऊपर की जो बेल्ट है मैंने वहाँ पर केसी के लिए डोरी खोला छोड़ा हुआ है। आप वहाँ पर कोई भी किस्म की डोरी खुद बनाकर या बाहर जो रेडीमेड मिलती है वो लेकर आप यहाँ पर लगा सकते होंगे और कोई लटकन ऐड कर लेंगे तो ये आपकी जो लहंगा है वो बहुत ज़्यादा प्रिटी भी लगेगा। तो ये मेरा लहंगे का फाइनल लुक है जिसे आप लॉन्ग कुर्ती पे भी पहन सकती हैं, ब्लाउज पे भी पहन सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है। और आजकल लहंगे का बहुत ज़्यादा वेडिंग सीजन भी है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया